हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज आरजे व्लॉगिंग फ्रॉम बैंगलोर अगेन। सो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, आज है धनतेरस का अगला दिन, कल है दिवाली। तो आज सैटरडे है, तो आज हम लोगों का प्लान बना है कि यहाँ चिक्का बल्लापुर में आदि योगी जी के दर्शन किए जाए। मैं तो पहले वहाँ जा चुका हूँ, अंजलि भी जा चुकी है, लेकिन जो अंजलि की मम्मी है वो नहीं गई है, तो हमने सोचा कि उनको भी वहाँ घुमा लाए और हम लोग भी एक बार फिर से घूमाए, क्योंकि उस जगह की लोकेलिटी और वहाँ का जो एम्बियंस है वो काफ़ी अच्छा है। तो एक अच्छा वहाँ पे वाइब्स आती हैं। तो अभी हम लोग मॉर्निंग में हमने प्लान किया था कि हम 5-6 बजे तक निकल जाएंगे, लेकिन अभी करीब 7:30 होने वाला है। तो हम लोग रेडी हैं और अब निकल रहे हैं। मैं तो अभी बेसमेंट में ही हूँ, तो अभी मैं जा रहा हूँ, ये लोग ग्राउंड फ्लोर पे आ चुके हैं, इनको पिक करूँगा और हम लोग निकलेंगे। जितना पॉसिबल होगा उतना मैं रिकॉर्ड करूँगा और आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो चलिए गाइस, फिर निकला जाए और मिलते हैं फिर। तो गाइस, अभी बेसमेंट से निकल के मैं जा रहा हूँ अपने ब्लॉक के रिसेप्शन की तरफ। ये लोग यहीं होने चाहिए, नहीं ये लोग आगे दिख रहे हैं मुझे विजिटर पार्किंग के आसपास। सनराइज भी हो चुका है और काफी अच्छी धूप निकली हुई है आज। ये देखिए ये दोनों यहाँ बैठे हुए हैं। ये पानिया, चलो। तो गाइस, हम लोग निकल रहे हैं अब सोसाइटी में। अभी हम लोग सूर्योदय भी हो चुका है। हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग माना। अभी माना के फ्रेंड में मिल गई।
हैशटैग कैफे हैस बनाया ना उसने न्यू स्टार्टअप है जा रहे थे वो सीधा स्ट्रेट हैदराबाद जाता है तो मैं बता रहा था NH 44 नेशनल हाईवे 44 इंडिया का सबसे लंबा हाईवे है वो कहाँ ये मेन गेट है अभी इससे काफी आगे है वो लेकिन यहाँ से इनका वो स्टार्ट हो जाता है। अच्छा मैं भी अभी सुबह के समय पहली बार ही आ रही हूँ तो रात में आए हम तो रास्ता मेरे लिए भी ऑलमोस्ट न्यू ही है। मैं विक्की और वो गौतम भाई सुबह सुबह आए थे ना कितने 5 बजे करीब आए थे 4 बजे
यू राइट पार्किंग चेंज कर दी लग रहा है पहले पार्किंग यहाँ पे थी ये लेफ्ट साइड जहाँ को आधी होगी दिख रहा है अभी सिस्टमैटिक किया होगा ना कुछ बना रहे होंगे कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा होगा उधर ये कुछ नाग देवता का है यहाँ पे कुछ इनकी बड़ी पूजा स्थापना हुई थी तो गैस हम लोग पहुँच गए आदि योगी जी के मंदिर जो चिक्का बल्लापुर में है और अब हम लोग जा रहे हैं अंदर ये देखिए अभी यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है ये लोग यहाँ पे कुछ पूरा कैंपस बनाएंगे जैसा कोयम्बटूर में है तो इसलिए काफ़ी ये पत्थर और मिट्टी यहाँ पे रखा हुआ है क्या हुआ चले चले वाने कहीं भी रख लो कहीं भी आज तो ना कुछ है नहीं भीड़ कृपया घर पे लोग अब वो भी पहले जाए तो बन जाए क्योंकि तो गाइस ये एंट्री है चिक्का बल्लापुर में जो आदि योगी जी हैं उनकी ये सब बाइक वाले आए हुए हैं काफी हो गए दर्शन इनकी भी स्थापना और पूजा हुई थी यहाँ पे ये कुछ नाग देवता का तो नहीं वैसा कुछ है नहीं अगर आप चढ़ाना चाहते हो तो वहाँ पे है लेना पड़ेगा हाँ वो कुछ नहीं वो एक नारियल होता है और एक दो चार फूल होता है बस तो ये पूरा नाग देवता का है इस तरह यहाँ भी देखो ना काफी सारे नाग देवता बने हुए हैं इनको क्या होता है ना इन ये पहले इनको रखते हैं फिर स्थापना के टाइम इनको इनके अंदर पावर क्या बोलते हैं वो जब पूजा के उससे इनके अंदर वो प्राण आ जाते हैं आप प्राण प्रतिष्ठा तो कुछ तो पावर होती होगी जब इतने पूजा हुई है तो अभी इन्होंने ये रास्ते भी बना दिए ना बीच में बिछा नहीं था तो क्या है धूप में बहुत गर्म हो जाते हैं पत्थर हाँ चलो
तो सुबह आने का फायदा ये है कि आप ठंडा भी है, पत्थर गर्म नहीं है, दूसरा भीड़ नहीं दिख रही बिल्कुल। हाँ, जब ज़्यादा दिन में करीब जैसे दो तीन बजे कोई आए तब ये पूरे गर्म हो जाते हैं। तिरुपति में भी ऐसा ही हो जाता है दिन में बहुत गर्म। अभी ये शायद ऐसा फर्श बना रहे हैं, फिर शायद ये चेंज कर देंगे, चेंज इसको करेंगे धीरे धीरे, फिर उधर से रास्ता देंगे, फिर इधर से काम करेंगे, है ना। ये है वो जो उनके गले में माला दिख रही है, उसमें छोटे छोटे बहुत सारे रुद्राक्ष हैं। अभी तो ये आपको थोड़ा दूर से पतली दिख रही है ना, बहुत मोटी माला है ये तो। इस ये जो नीचे मंदिर है ना, उसका गुंबद टाइप है वो। हाँ, जैसे जैसे ये किसी के गाड़ियों में भी रखे रहते हैं कईयों पे, तो मुझे यहाँ लगता है जैसे सोने का लगभग है, वैसे है नहीं, इसकी वजह से दिखता होगा ना, फोटो लेते होंगे। हाँ हो सकता है, लेकिन वो पीछे बीच में कुछ उन्होंने बनाया है शायद, वो जो उनका लॉकेट है माला जो पूरी रुद्राक्ष वाली, उसकी उसमें भी कुछ होगा, मतलब अभी ऊपर जाके दिख जाएगा। मैंने कई जगह देखा, उसमें ऐसा लगता है इसे सोने का। नहीं सोने का तो नहीं है वो, उस पर पॉलिश किया होगा गोल्ड वाला। असली का? हाँ वहाँ तो काफी उसके उनके पास तो बहुत बजट भी आ चुका है ना, लोगों ने काफी डोनेट करा है। 36 दरवाजों पर सोना मारा जाएगा। पहले नीचे जो मंदिर है उसमें दर्शन कर लेते हैं, फिर ऊपर चलेंगे। शायद अगर बोलेंगे तो फिर मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा।
गाइस आदि योगी जी के बहुत बढ़िया दर्शन हो चुके हैं और अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं चिक्का बल्लापुर से और वापस घर की तरफ। और अभी बज रहा है करीब सुबह का 9:30 बज रहे हैं, तो हमें लग गया मतलब यहाँ आने में लग गए 40 मिनट्स के करीब और दर्शन वर्शन हो चुके हैं बढ़िया। अब हम लोग वापस निकल रहे हैं, मेरे ख्याल से 10:30 तक पहुँच जाएंगे। काफ़ी बढ़िया यहाँ पे अभी माहौल है क्योंकि सुबह का टाइम है, ज़्यादा भीड़ भी नहीं है और धूप भी कम है। तो लेकिन जो लोग जैसे दिन में आएंगे तो उनको काफ़ी मतलब हो सकता है धूप ज़्यादा लगे या भीड़ ज़्यादा हो जाए क्योंकि वीकेंड भी है आज तो। लेकिन हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी मतलब स्मूथ रहा, कोई भीड़ नहीं, कोई कुछ नहीं, बहुत बढ़िया मौसम और सब अच्छा। तो गाइस अभी हम निकल रहे हैं तो मिलते हैं फिर। तो दर्शन तो बढ़िया हो गए, भीड़ भी नहीं थी। तो गैस ये लोग तो मैंने वापस से पिक कर लिया, मैं पार्किंग में गाड़ी लेने गया हुआ था और वान्या को अभी लग चुकी है भूख और नींद भी आ रही है। वान्या हाय कर दो। वान्या हाय। ए वान्या, वो सब चेक कर रही है, सब आ चुके हैं कि नहीं? नानी ये भी आ चुके हैं। नानी भी आ गई। तो गैस हम लोग निकल चुके हैं, अब वापस जा रहे हैं आदि योगी जी के दर्शन करके। गाइज ये पूरी जो आपको खेती दिख रही है पूरी रागी लगी हुई है, जिसको हमारे पहाड़ में उत्तराखंड में मडुआ भी कहते हैं। तो जैसे रागी का डोसा बनता है और इडली वगैरह भी बनती हैं और हमारे वहाँ तो रोटियाँ भी बनती हैं मडुए की, तो ये रागी है पूरा। इधर भी लगा है, यहाँ साउथ में बहुत होता है, यहाँ भी पूरा वही है। तो गैस हम लोग पहुंच गए हैं वापस घर। बीच में एक जगह ब्रेकफास्ट के लिए रुक गए थे, ब्रेकफास्ट वगैरह करा क्योंकि सुबह 7:30 बजे के निकले हुए थे और दर्शन करने के बाद वापस आते आते हमें करीब बज गया था 9:30। तो वहीं रास्ते में ब्रेकफास्ट कर लिया और अभी मैं आ चुका हूँ अपने सोसाइटी में, अपने घर के नीचे जो बेसमेंट पार्किंग है उधर। तो गैस आज का वीडियो यही था, जो बैंगलोर से हैदराबाद रोड पर चिक्का बल्लापुर में आदि योगी जी के जो दर्शन थे वो किए और हमारे ज़रिए आप लोग भी उनके दर्शन कर लीजिए। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो गिव इट अ थम्स अप, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। और अपने सारे दोस्त रिश्तेदार जो भी आपके जानने वाले हैं सबके साथ शेयर भी कर दें। तो गाइस अपना ख्याल रखें, इन्जॉय करें, स्ट्रेस ना लें, चिल मारें लाइफ में। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। दिस इज अजय साइनिंग ऑफ।